राधे राधे दोस्तों, कुक विद उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी सूजी के अप्पे बनाएंगे। ये कम तेल में बनके तैयार होते हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी के अप्पे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक परात ली है। हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे, 1/2 कप दही डालेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे। हम 1 कप सूजी में 1/2 कप दही और 1/2 कप पानी डालेंगे। अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 25 से 30 मिनट के लिए ढके रखेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने गैस पे एक पैन रख दिया है। हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, 1 चम्मच राई डालेंगे, 7 से 8 कटे हुए कढ़ी पत्ते डालेंगे, बारीक कट की हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भूनेंगे। आप अपनी कोई भी मनपसंद सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है। 1 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जियों को ठंडा होने देंगे। 25 से 30 मिनट हो गए हैं, हम बैटर को एक बार फिर से चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर थिक हो गया है, सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सब्जियां डालेंगे। हमारी सब्जियां ठंडी हो गई हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम तुरंत अप्पे बनाना शुरू करेंगे। हमने गैस पे एक अप्पम पैन रख दिया है। पैन गर्म हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब हम 1 मोल्ड में 1 चम्मच बैटर डालेंगे। अगर हम बैटर ज्यादा डालेंगे तो अप्पे फूल के मोल्ड के बाहर आ जाएंगे। हमने सारे मोल्ड में बैटर डाल दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इन्हें पलटेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। आप अप्पे को चम्मच की मदद से भी पलट सकते हैं। अब हम इनके साइड में थोड़ा थोड़ा तेल और डालेंगे। और इसे ढक के फिर से लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे अप्पे दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे और सेम प्रोसेस से सारे अप्पे बना के तैयार करेंगे। तो लीजिए, हमारे टेस्टी और हेल्दी सूजी के अप्पे बन के तैयार है। आप इन्हें अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व करिए। इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। राधे राधे।